सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज साजिद मुगल डॉलर पर्पज़ की जानब से एक्सेल और अकाउंटिंग एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है ये तमाम लोगों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी अशद ज़रूरत होती है। क्योंकि कोई किसी किस्म का भी बिज़नेस हो उसमें आपने सेल परचेज का काम और इन्वेंट्री मैनेजमेंट ज़रूर करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का जो ट्यूटोरियल है ये इसी चीज़ को कम्प्लीटली कवर करेगा कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, अपने सप्लायर का डेटा और उसके अलावा अपने कस्टमर का डेटा आप किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, कितने उनको पैसे दिए, कितने लिए, क्या किया, उसके अलावा क्या प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, क्या एक्सपेंसेस हुए, ये तमाम चीज़ें आप आज के इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं दिखाता हूँ कि हमने ये किस तरह से बनाया, ठीक है। ये हमारा मेन डैशबोर्ड है, यहाँ से आप किसी भी शीट पे आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखें हमारी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री पर चलते हैं। तो इन्वेंट्री में आपका पूरी सामने आपकी डायनेमिक इन्वेंट्री आपकी चल रही होगी, जिसमें ओपनिंग बैलेंस है, एवरेज प्राइस हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा परचेजेस जो भी आप करेंगे वो यहाँ ऐड हो जाएगा, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, ये तमाम चीज़ें इस शीट के ऊपर कैलकुलेट हो रही होंगी, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस, ये हमारी एक्सपेंसेस की शीट है, जहाँ जो भी आप एक्सपेंसेस करेंगे वो सारे यहाँ पे आप लिस्ट करते जाएंगे तो वो सारे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड होते रहेंगे। उसके अलावा ये परचेज़ है, यहाँ आप जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी परचेज़ की होंगी, यानी आपने सप्लायर से कोई भी चीज़ प्रोडक्ट आप ख़रीदेंगे तो यहाँ एंट्री करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे, तो उसकी से रिलेटेड डेटा सारा आप यहाँ पे लिखेंगे परचेज़ एक्टिविटी के नाम से, ये हमारी शीट होगी, ठीक है। परचेज़ के बाद हमारी सप्लायर्स हैं। अब सप्लायर्स में आप ये देखें, ये हमारा सप्लायर का नेम आएगा, ठीक है। इसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, टोटल आपने ये परचेज़ इससे कितना किया, टोटल इससे हम इसको आपने पेमेंट कितनी करी, ठीक है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा अभी आपके पास, यानी टोटल लाइबिलिटी आपकी कितनी है, ये यहाँ पे आ जाएगी नेट लाइबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद आपकी ये सेल्स का शीट है, इसके अंदर आपने कस्टमर का तमाम इंटर करेंगे, ठीक है, तमाम जो भी रेफरल नंबर, वाउचर नंबर, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कस्टमर का हमारा डेटा है, ठीक है, कस्टमर का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे मेंटेन हो रहा होगा कि इसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, इसको आपने मज़ीद सेल्स कितनी करी और किस किस ने कितने कितने पैसे आपको जमा करवाए, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना कितना, और टोटल रिसीवेबल आपके पास यहाँ पे टोटल कितने आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। उसके अलावा फिर ये हमारा एक ट्रेडिंग अकाउंट है, जो आपको समराइज़ करके बता रहा होगा कि आपने टोटल सेल्स कितनी की, आपका ओपनिंग स्टॉक क्या था, परचेजेस कितनी हुई, गुड्स अवेलेबल कितनी थी, और यानी आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आई, ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्या हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने जितने भी यहाँ पे एक्सपेंस पे शीट पे जो लिखे थे वो कितने हुए, और टोटल आपको एट दी एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने तमाम चीज़ें आ जाएंगी। ये तमाम चीज़ें जो है ना आप बेसिक से बिल्कुल मतलब एक एक फार्मूला इसके अंदर आप तमाम चीज़ें इस ट्यूटोरियल के अंदर सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल हमारा पसंद आएगा, लेट्स डू इट। अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के बटन हैं, इनका मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया ताकि टाइम को सेव कर सकें। तो इसके अंदर हम हाइपर लिंक लगाएंगे जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ शीट्स पर स्विच करते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो है जैसे इन्वेंट्री का है, तो इसके ऊपर हम जो है ना हाइपर लिंक अपना लगाते हैं, ठीक है। हाइपर लिंक हमने क्लिक किया और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट हमने कहा, ठीक है। और उसके बाद हमने ये कहा कि भाई हमें जब हम इस पर क्लिक करें तो ये हमें इन्वेंट्री समरी पे ले जाए, ठीक है, ओके। इतना सा बस काम था। अब इन्वेंट्री समरी पे हमने क्लिक करेंगे तो इन्वेंट्री समरी पे लेके चला जाएगा, और लोगों पे आप वापसी क्लिक करेंगे तो आपको मेन डैशबोर्ड पे ले जाएगा। इस तरह बाकी जो है ना एक्सपेंसेस, परचेज, सप्लायर्स, उन सबको मैंने हाइपर लिंक लगा दिए ताकि आपका टाइम सेव हो सके, इसी तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने परचेज़ का हमारा जो शीट है इसके ऊपर चलते हैं। परचेज़ की शीट के ऊपर हमारे क्या पास क्या है, डेट है, रेफरेंस है और सप्लायर है। सप्लायर अब हमें क्या करना है, सप्लायर हमें लिस्ट से लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए आपको डेटा में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर ये वैलिडेशन का अपने ऑप्शन है, डेटा वैलिडेशन आप, ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी लिस्ट, ठीक है। लिस्ट आपने सेलेक्ट करना है और सोर्स आपने क्या देना है, इसको हम सोर्स देंगे सप्लायर का, तो हमारा सेल्स है, कस्टमर है, ये हमारा सप्लायर है, ठीक है। तो सप्लायर के हम ये फर्स्ट वाले रो को आप सेलेक्ट कर लें, फर्स्ट वाले पूरे कॉलम का आप सेलेक्ट कर लें, ओके, इंटर कर दें और दोबारा ओके कर दें, तो ये आपके सामने सप्लायर की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब आप ये देखें यहाँ से हम सप्लायर को सेलेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, इस तरह से अब हमारी दूसरी चीज़ हमारी प्रोडक्ट की है, यहाँ पे भी हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। डेटा वैलिडेशन हम अप्लाई करेंगे लिस्ट, ठीक है, और इसके अंदर जो सोर्स हम देंगे वो हम देंगे इन्वेंट्री
समरी से। इन्वेंट्री समरी में हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो हमारा प्रोडक्ट का है, ठीक है। ओके, ये आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास सप्लायर भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें रन टाइम पे हमने इंटर करनी है, ठीक है। और अब इसी तरह से हम जो है ना परचेज एक्टिविटी हमारी की बेसिक सेटअप हमारा बन गया, और अब हम सेल्स का बनाते हैं, ठीक है। सेल्स के अंदर हमारे पास वही सेम काले में परचेज की तरह, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, कस्टमर है, ठीक है। कस्टमर के लिए हमने डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है, यहाँ पे लिस्ट लिस्ट आप अप्लाई करें, सोर्स में जाएं, और ये हमें कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, हमारे कस्टमर रिकॉर्ड से, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट कॉलम है ये हमारे कस्टमर्स हैं, ओके ओके ठीक है, ये हमारे पास आ गई। और प्रोडक्ट्स सेम हमें लाने हैं कहाँ से, इन्वेंट्री से, ठीक है। और इन्वेंट्री का हमारा जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट्स का है, ठीक है ओके। तो ये इस तरह हमारा कस्टमर और सप्लायर भी, कस्टमर और प्रोडक्ट भी सेटअप हो गया। तो बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये आप देख के आप बना लें, इसमें कोई किसी किस्म का कोई रॉकेट साइंस नहीं है सिर्फ, ठीक है ओके। जहाँ तक हो, अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि परचेज एक्टिविटी में कुछ एक आध एंट्री करते हैं, ठीक है। जैसे आज 1 अगस्त जैसे हमने एंट्री कर दी, ठीक है, हमने कहा 1 2 3 और ठीक है। और उसके बाद सप्लायर हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, सप्लायर वन, ठीक है, तीनों को सप्लायर वन ही कर देते हैं फिलहाल हम। और प्रोडक्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट वन टू, और ये भी हमारी प्रोडक्ट टू ही है। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी हमने कितनी परचेज़ की है, हमने कहा 150 आइटम हमने इसके परचेज़ किए, 120 इसके और 101 इसके हमने, ठीक है। किस रेट पे हमने परचेज़ किए, सपोज हमने कहा ये 2400 का हमने ख़रीदा, ये 2500 की, और ये फिर हमने 2600 की प्रोडक्ट खरीदी, या सपोज़ हमने कहा ये 2450 रुपये, ठीक है। और परचेजेस, यहाँ पे परचेजेस का मतलब ये है कि परचेज़ की वैल्यू लानी, ठीक है। हम इसको परचेज वैल्यू यहाँ से कैसे लाएंगे, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर, ओके। और पेमेंट ये होगी जब हम इसको हम पेमेंट करेंगे, सपोज़ हम यहाँ पेमेंट भी कर देते हैं। 3 अगस्त को हमने कहा कि ये हमारा रेफरेंस नंबर वन दे देते हैं, सप्लायर है, बाकी चीज़ें यहाँ पर कुछ नहीं आपने लिखना, सिंपली आपने जाके इसको यहाँ पे हमने पेमेंट कर दी। सपोज हमने पेमेंट कितने की कर दी, 2 लाख रुपए के हमने फर्स्ट पर पेमेंट कर दी, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये हमारी परचेज एक्टिविटी हो जाएगी। इस तरह सेल्स एक्टिविटी हम करते हैं कुछ, 1 अगस्त और यहाँ पे हम रेफरेंस दे देते हैं सपोज, ठीक है। और कस्टमर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, कस्टमर वन सेलेक्ट करते हैं, कस्टमर वन से हमने सब कुछ परचेज किया है, यहाँ नहीं इसको कस्टमर थ्री का देते, ठीक है। और प्रोडक्ट हमने कौन कौन सी खरीदी है, 1 2 हमने ये प्रोडक्ट हमने सेल्स कर दी, ठीक है भाई ओके। और हमने क्वांटिटी ऐसी कितनी सेल्स की, हमने कहा ये 5 हमने सेल्स की हैं, ये 2 सेल्स की हैं, और ये फिर हमने 2 मज़ीद सेल्स की। और रेट हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमने कहा कि भाई हमने ये 3000 की बेची है, ये 3500 की, और ये फिर हमने इसको 3500 की सेल की, ठीक है। सेल्स की वैल्यू लानी है इज़ इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, ठीक है। और रिसिप्ट हमने ये पहले इसको पूरा बिल बनाया हमने इसका, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसको 5 अगस्त को इसने हमें पेमेंट दे दी, सपोज हमने पेमेंट कितने के लिए, इससे पेमेंट हमने लिए 5000 की, ठीक है। और सपोज़ ये हमारे पास ये आ गया। अब हमने सेल्स की एक्टिविटी भी कर ली और परचेज की एक्टिविटी भी कर ली है, इसकी बेस पे हमने क्या करना है, जाके कस्टमर सप्लायर के रिकॉर्ड को अपडेट करना है, ठीक है। अब हमारा कस्टमर वन है, सपोज़ इसका बैलेंस था, हमारा ओपनिंग बैलेंस था 12000 रुपये, ठीक है। और इसका बैलेंस था 1500 रुपये, इसका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 2000 1500, ये इस तरह से आप ऐसे यहाँ लगा दिया हमने, ठीक है। और नीचे हम यहाँ पे सम करवाते हैं, इज़ इक्वल टू सम लगाया, और ये हमने टोटल कहाँ तक, हमें यहाँ तक सम चाहिए होगा, ठीक है। कंट्रोल सी करें और यहाँ आगे तक ला के इसको एंटर कर दें, तो ये फार्मूला आपका पूरा सब जगह कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और करेंसी सिंबल लाने के लिए आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये करेंसी की सिंबल आ जाएगी, ठीक है। अब हमने इसकी
सेल्स डालनी है कि इसको मज़ीद हमने सेल्स कितनी की। तो सेल्स लगाने के लिए हमने इसको क्या करेंगे, हमें जो है यहाँ पे सम इफ का फार्मूला यूज़ करना है, इज इक्वल टू सम सम इफ। इसमें सबसे पहले चीज़ हमारे सामने क्या आ रही है, रेंज, ठीक है, क्योंकि हम कस्टमर रिकॉर्ड मेंटेन करें तो हमें सेल्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्स पे जाने के बाद हमने क्या किया, इसका कस्टमर के बाद का पूरा यहाँ तक इसका हमने सेलेक्ट कर लिया, और F4 दबा के आप इसको फ्रीज़ कर लें, उसके बाद कॉमा लगाएं। फिर हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, कि भाई क्राइटेरिया हमने क्या देना है इसको। हमने कहा कि क्राइटेरिया हमारा ये कस्टमर है, जहाँ जहाँ ये कस्टमर आ रहा है उसके सामने उसकी अमाउंट को हमें प्लस करके दे दो, ठीक है भाई। उसके बाद कि क्या आ गया, कॉमा लगाया और हमसे पूछा सम रेंज, कौन से कॉलम को आपको सम चाहिए। तो हमने कहा हमें सेल्स की शीट पे जाके सेल्स का सम चाहिए, ठीक है। F4 दबा के फ्रीज़ कर लें, इंटर कर दें, ठीक है। अब ये फार्मूला नीचे तक पूरा कॉपी हो गया खुद ही। अब ये देखें, कस्टमर 1 को जो है हमने 22,000 की सेल्स की है, और कस्टमर 3 को हमने 6,400 की सेल की है, बाकी किसी को सेल्स हमने कुछ भी नहीं की, ठीक है। ये वेरी सिंपल है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि हम इन्हीं की हमने रिसिप्ट निकालनी है, कि हमने कस्टमर 1 से कितनी रिसिप्ट ली, कस्टमर 2 से, 3 से, हमने कितनी कितनी हम इनसे पेमेंट ले चुके हैं। तो इसके लिए हम एक ये काम करेंगे, F2 प्रेस करें, ये पूरा फार्मूला यहाँ से कॉपी कर लें। हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी करें और यहाँ कंट्रोल वी मार दें, ठीक है, कंट्रोल वी कर दिया। अब उसके बाद जस्ट हमने क्या चीज़ चेंज करनी है, हमें सम रेंज चेंज करनी है, ठीक है। बाकी चीज़ें सब सेम एज इट इज़ रहेंगी, सिर्फ सम रेंज हमने क्या करनी है। अब हमने सम रेंज, अब हमारे रिसिप्ट है, पहले सेल्स थी अब रिसिप्ट है, ठीक है। इसको भी F4 दबा के फ्रीज़ कर दें और इंटर कर दें, ठीक है। अब आप देखें, कस्टमर 1 ने हमें कोई पेमेंट नहीं दी, 2 ने हमें कोई नहीं, 3 ने हमें 5,000 रुपये दिए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर 3 से हमने 5,000 रुपये रिसीव किए हैं, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंसेज निकालने हैं अब हमने, तो इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस सेल्स माइनस रिसिप्ट, तो ये आपके क्लोजिंग बैलेंसेज आ गए, ठीक है। इज इक्वल टू सम फार्मूला काम नहीं कर रहा है, दोबारा सम करवा लेते हैं। ओके ये हमने इसका टोटल रिसिप्ट हो गई, और जो है आपका अलग अलग करें क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब आप देखें, इसका ओपनिंग बैलेंस 32,000 था, 28,400 की हमने मज़ीद सेल्स की है, 5,000 इससे रिकवरी की है, ठीक है। और यानी कि टोटल हमारे 55,400 रिसीवेबल्स हैं, और ये इस तरह इसकी डिटेल आ रही है, ठीक है। अब ये है हमारा कस्टमर का डेटा अपडेट हो गया। अब आपने कोई नया कस्टमर बनाना है तो आप यहीं पर इंसर्ट करके रहो, नया कस्टमर बना सकते हैं, ठीक है। अब सप्लायर पे आते हैं, सप्लायर में क्या है, अब सपोज हमारा सप्लायर 1 है, इसका ओपनिंग बैलेंस था, सब काम अपने गले से ऐसे डाल देते हैं, आपने देख के डालना है, ठीक है। ये हमने ऐसे अपने गले से डाल दिए। और परचेजेस, तो ये हमने ऐसे ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिए। हम जो है इस सिस्टम के थ्रू जो है इन्वेंट्री के साथ साथ हम पूरा हमारा कस्टमर और सप्लायर का डेटा भी अपडेट कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ी स्पीड शायद मेरी तेज़ हो, क्योंकि टाइम को मैंने सेव करना है, और काफ़ी सारी चीज़ें मुख्तसर से टाइम में आपको बताना चाह रहा हूँ, तो इसलिए जो है ना आप इसको वीडियो को पास करते जाएँ और साथ साथ जो है ना देखते जाएँ, प्रैक्टिस जारी रखें, ठीक है। अब ये जो है, अब इसको हमने कहा कि करेंसी सिंबल लगानी है, हमने ये लगा दी, ठीक है। उसके बाद परचेजेस, अब हमें परचेजेस इसकी कहाँ से आएंगी, कि हमने टोटल इस सप्लायर से परचेजेस कितनी किए, तो वो हमें सम एफ के ज़रिए कैलकुलेट करवानी पड़ेगी, ठीक है। सम एफ का हमने फार्मूला लगाया, और ये हम चले जाएंगे कहाँ पे, परचेज शीट पे। और इस पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको पूरा ये रेंज दे दी, F4 दबा के फ्रीज कर लिया। और दूसरा हमारा क्या है, क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमने अपना देना है सप्लायर, और उसके बाद जो है सम रेंज हमने देनी है परचेजेस की, ओके। तो ये हमारे सामने पूरी इसकी परचेजेस आ जाएंगी। अब F2 दबाएं, इसका पूरा फार्मूला आप कॉपी करें, कंट्रोल सी, और पेमेंट में पेस्ट करें।
और यहाँ पे इसको सम रेंज को आपने चेंज करना है। सम रेंज में आपने क्या करना है, पेमेंट्स पे अप्लाई करना है, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस पेमेंट्स, यानी कि हमारा जो ओपनिंग था उसमें हम परचेजेस ऐड कर देंगे और क्लोजिंग और पेमेंट लिस्ट कर देंगे, ठीक है। और इस सब को हमने इस पे हम करते हैं करेंसी सिंबल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और सम करवा देते हैं नीचे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा सप्लायर का डेटा भी जो है वो अपडेट होता रहेगा, हमारा कस्टमर का डेटा अपडेट, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास सामने आ गया, सप्लायर का आ गया। अब हमें जाना है किस पे, हमारी परचेज एक्टिविटी भी होगी, सेल्स भी हो गई, सप्लायर। अब हमें जाना है एक्सपेंसेस पे, एक्सपेंसेस से पहले हम इन्वेंट्री पे चले जाते हैं, ठीक। अब हमें इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है एवरेज रेट कैलकुलेट करवाना, ठीक है। यही इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मेन फंक्शन है, ठीक है। तो इसके हम दो सम एफ के फंक्शन अप्लाई करेंगे, इसको अपने को गौर से देखना है। इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करना है आपने, सम एफ, ठीक है। उसके बाद आपने रेंज देनी है इसको, परचेज एक्टिविटी में जाकर प्रोडक्ट के बाद यहाँ तक पूरी आपने सिलेक्शन करनी है, F4 दबाना है। और क्राइटेरिया अब हमने क्या देना है इसको, हमने ये वाला प्रोडक्ट क्राइटेरिया हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा लगा के हमें सम किस चीज़ को करवाना है, हमने टोटल परचेजेस की वैल्यूज को, ठीक है। अब ये ब्रैकेट आपने क्लोज करना है, उसके बाद डिवाइड करना है हमने किसके, टोटल सम ऑफ क्वांटिटीज से, ठीक है। क्वांटिटीज़ का जो हमारा सम होगा उससे हमने इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास हमने एवरेज रेट इसका आ जाएगा। तो हम दूसरा यहाँ पे सम एफ दूसरा फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या होगा, यही इसी टोटल प्रोडक्ट होगी, अच्छा जी। अब इसमें क्राइटेरिया हमारा सेम रहेगा, वही वाला यही प्रोडक्ट है, ठीक है। और उसके बाद कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, अभी क्वांटिटीज़ का सम करवा देंगे, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि ब्रैकेट क्लोज करो, तो हमने दोनों ब्रैकेट्स अपने, अब आप ये देखें प्रोडक्ट वन जो है उसकी एवरेज 2400 इस तरह से आ गई, दूसरी वाली की भी ये एवरेज प्राइस हमारे सामने आ गई, अच्छा। ये बाकी जो है नीचे वाली यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अब हमने ओपनिंग स्टॉक, सपोज़ हमारी ये प्रोडक्ट जो है इसका हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 1 यूनिट था, ये 2 3, सपोज़ हम अपनी तरह से ऐसे डाल लें कि हमारे सामने इनका ओपनिंग स्टॉक इतना इतना था, ठीक है। ओपनिंग वैल्यू, अब हमने ओपनिंग वैल्यू कैसे मालूम करनी है, वो ओपनिंग क्वांटिटी को एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। और ये हमारे सामने आ जाएगी करेंसी की सूरत में, अच्छा। अब इसमें जीरो डिवाइड का एरर आ रहा है बार बार, तो इसकी वजह यह है कि जो आइटम हमने यूज़ नहीं किए हुए उनको भी जो है ना ये एवरेज उनका रेट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है ना ये हमारी रिपोर्ट ख़राब हो रही है। हम ये चाह रहे हैं कि जहाँ पे ये आइटम नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे ज़ीरो डिवाइड का एरर ख़त्म कर सकते हैं, तो हम फंक्शन यहाँ शुरू में एक अप्लाई कर सकते हैं एफ एरर का। हम ये कहते हैं कि अगर हमारे सामने फार्मूला में कोई एरर आता है तो क्या करो, तो यहाँ पर इसको ज़ीरो लगा दो, ओके। इसको कॉपी पेस्ट नीचे तक आपने कर दिया। अब आप देखें जो हमारा ये फंक्शन बराबर काम करेगा, अगर कहीं कोई मसला आएगा तो इसको ज़ीरो कर देगा, यानी आइटम जो आपने यहाँ लिखा हुआ वो अगर नहीं है तो उसको ज़ीरो कर देगा, ठीक है। अब परचेजेस, अब हमें परचेज क्वांटिटी मालूम करवानी है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा हम एफ का फार्मूला लगाएंगे, और रेंज हम कहाँ पे करेंगे, परचेज में जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहीं से हमने सिलेक्शन करनी है इसकी, क्राइटेरिया हमने यही देना है, यही वाली प्रोडक्ट देनी है, और सम रेंज हमने किस चीज़ की चाहिए, क्वांटिटीज़ की चाहिए, ओके। अब जो भी परचेज क्वांटिटी हमारी होगी वो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगी, इस तरह सेल्स की भी आ जाएगी,
सेल्स के हम शीट पे जाएंगे और प्रोडक्ट की बेस पे हम इसको सम करवाएंगे, ठीक है। और हमें क्राइटेरिया क्या पास करना है, यही वाले प्रोडक्ट हम क्राइटेरिया पास करवाएंगे। और सम रेंज हमें क्या चाहिए, सेल्स की क्वांटिटीज़ का सम चाहिए। ओके ठीक है। अब आप देखें, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ये था, हमने परचेज ये की और सेल्स ये किया, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा। क्लोजिंग सिंपल है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस सेल्स, ठीक है। यानी कि एक यूनिट ये था, 150 हमने ख़रीदे और 5 सेल कर ली, तो क्लोजिंग की हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करवानी है, इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी इनटू एवरेज प्राइस। तो ये आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको सम करवाने, ग्रैंड टोटल इसका, तो ये हमें सम सम का फार्मूला यहाँ लगा देते हैं, फंक्शन तो ये इस तरह से हमारी स्टॉक की वैल्यू, पूरी स्टॉक की हमारी शीट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमारा एवरेज प्राइस भी आ गई, ओपनिंग क्लोजिंग परचेजेस सेल्स सब चीज़ें इसके अंदर हमारे सामने आ रही हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारी ये इन्वेंट्री सिस्टम, ये वाला सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, सेल्स एक्टिविटी भी होगी, ये भी होगी। अब हम जाते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या चाहिए, सेल्स का हमें सम चाहिए, यहाँ पे एक्चुअल सेल जो हमने की है इज इक्वल टू सम इस वाले कॉलम का हमें सम चाहिए होगा, ठीक है। और उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हमें कहाँ से चाहिए, जो हमने इन्वेंट्री समरी बनाई थी अभी, वहाँ से हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए होगा। ये हमारी इन्वेंट्री समरी है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। यहाँ से हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू उठा के, तो और जो है परचेजेस, हमारे सामने परचेजेस की वैल्यू कहाँ से आई है, परचेजेस की वैल्यू एक तो हम जो है अपना परचेज एक्टिविटी से उठा सकते हैं, दूसरी जो है ना हम कहाँ से उठा सकते हैं, कस्टमर से, यहाँ से हमारे सामने से हम परचेजेस उठा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहीं से उठा लेते हैं इसको, परचेज सप्लायर की, यहाँ से हमारी टोटल परचेजेस की वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने। अच्छा, ये हमारा परचेजेस का जो डेटा है, यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया हुआ, लेकिन ये प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर रहा उसको, तो हम दोबारा यहाँ लगाते हैं सम इफ। रेंज हमने देनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और क्राइटेरिया हमने देना है सप्लायर का, और सम रेंज हमने करवानी है परचेजेस की, ठीक है। अब ये हो गया कैलकुलेट, शायद पहले कोई प्रॉब्लम कर रहा था इसमें। नब्बे 907 450, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे सामने यहाँ पे परचेजेस भी आ गई, और गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हम यहीं पे कैलकुलेट करवा देंगे, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस अवेलेबल आ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक हमें कहाँ से चाहिए, जो हमने यहाँ पे बनाया है इन्वेंट्री की मदद से, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की मदद से, ये वाला सबसे एंड में ये वाली वैल्यू आप यहाँ ले आए, ठीक है। तो ये हमारी हमारे सामने क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा आ जाएगा।
और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, अवेलेबल माइनस क्लोजिंग, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ठीक है। और एक्सपेंसेस हमने सैलरी एक्सपेंस आई है वो सब जो भी एक्सपेंसेस हैं ये सारे हमने करने हैं। तो एक्सपेंसेस के लिए हम सिंपली क्या काम करेंगे, हम यहाँ अकाउंट पे जाएंगे एक्सपेंस पे और यहाँ डेटा वैलिडेशन हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। वैलिडेशन लिस्ट, लिस्ट हम कहाँ से लेके आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से, ये वाली हमारी जो लिस्ट होगी ना यही वाली हमारे सामने आएगी, ठीक है। ओके ये लिस्ट हमारे सामने आ गई। अब हम सपोज कोई भी एक्सपेंस करते हैं 1 अगस्त को, ठीक है, रेफरेंस हमने कुछ भी डाल दिया, अकाउंट हम सेलेक्ट करते हैं, सैलरी एक्सपेंस, टेलीफोन है, उसको हम जो है हमने सैलरी पेमेंट की है, और पावर कोई एक्सपेंस दिए हमने, रेंट एक्सपेंस हमने कुछ दिए, इंटरनेट चार्जेस हमने सपोज दिए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मंथ भी लिख सकते हैं, टेलीफोन अगस्त 2017, इस तरह से हम बंदे का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने अमाउंट दे दी 500, 20,000 हमने सैलरी दी है, पावर एक्सपेंस हमारे कितने हुए 5,000 के सपोज, इंटरनेट हमारे 1500, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको सम करवाना है, इसकी बेस पे सम एफ हमने कहा, सबसे काम का फार्मूला ये, हमने कहा कि सम एफ करो किसको, एक्सपेंसेस पे जाना है हमने, और यहाँ से हमने इसको पूरे को सेलेक्ट करना है, और हमने क्राइटेरिया हमने क्या देना है, ये सामने जो भी हो वो क्राइटेरिया हमारा, और सम रेंज हमारी क्या है इसकी अमाउंट एक्सपेंसेस की। ओके अब इसको आपने नीचे तक कंट्रोल डी कर देना, आपने इसको कॉपी पेस्ट नीचे कर दिया हमने, ठीक है। फॉर्मेटिंग थोड़ी सी यहाँ से आउट होगी, इसको हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे, इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम करेंसी कर देते हैं, और नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ये इस तरह से होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, हमने भी ग्रॉस प्रॉफिट ही कैलकुलेट नहीं किया, ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से जो है हमने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस करने हैं, तो इस सूरत में हमारे हमारे सामने लॉस आ रहा है 20,508 रुपये का, ये तो हमने ऐसे ही डेमो एंट्रीज की हैं, एक्चुअल जब करेंगे तो इंशाल्लाह लॉस नहीं आएगा, प्रॉफिट ही आएगा। तो ये देखें ब्रैकेट ब्रैकेट में आ रहा है कि इट मीन्स ये लॉस है, ठीक है। और यहाँ आपने एक्सपेंसेस वगैरह कोई और हेड आप ऐड कर सकते हैं, तो ये आपकी कंप्लीट जो है रिपोर्ट बन गई है, इसके साथ आप कुछ भी और भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंपल डैशबोर्ड है, यहाँ आप मजीद ग्राफ वगैरह कोई डायग्राम्स वगैरह आप यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। और एक बाकी जितनी भी इन्वेंट्री से रिलेटेड आप तमाम चीज़ें करवा सकते हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा लेंथी ट्यूटोरियल था ये, क्योंकि इसमें काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, हमने बहुत तो इसको जो है ना डीपली करने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आने वाले ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।